नमस्कार। अवध न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। नाम बदलकर महमूदाबाद क्षेत्र में रह रहे बाराबंकी लखनऊ जनपदों में कई मुकदमों के वांछित 25,000 के इनामी असातिर अपराधी समेत दो लोगों को पुलिस ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों ने रामपुर कला थाना क्षेत्र के हसनापुर गांव में हुई डकैती को अंजाम देना भी स्वीकार किया है। दोनों के पास से स्मैक व अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को क्षेत्र में सक्रिय कई अपराधियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने सरगर्मी से क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। सीओ अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बाहरी जनपद के अपराधी सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। कोतवाली पुलिस को इस बाबत सचेत कर दिया गया था। कोतवाली प्रभारी अनिल पांडे ने लगातार सातिर अपराधियों की तलाश में मुखबिरों को सक्रिय कर रखा था। बीती रात कोतवाली प्रभारी अनिल पांडे, एसआई दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल रामजी पाल, शिव बहादुर, आरक्षी परवेद, सुनील कुमार रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान रामपुर मथुरा मार्ग पर स्थित नहर पुलिया के पास दो संदिग्ध युवक पुलिस को आते दिखाई दिए। टोकने पर युवक भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों ने अपने नाम रामपाल उर्फ पाले पुत्र हिमाचल निवासी जड़ासर थाना घुंगटेर जनपद बाराबंकी व विकास सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी मुमताजपुर थाना रामपुर कला बताया। तलाशी लेने पर रामपाल के पास से 20 ग्राम स्मैक, विकास सिंह के पास से एक 315 बोर अवैध तमंचा व दो कारतूस बरामद हुए। सीओ अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि रामपाल उर्फ पाले बेहद सातिर किस्म का अपराधी है। इस पर अटरिया थाने में महिला के साथ हुई लूट के 394,411 आईपीसी के मुकदमे में लंबे समय तक फरार रहने के चलते गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित हो चुका है। रामपाल पर अटरिया, रामपुर कला, महमूदाबाद, बाराबंकी जनपद के थाना घुंगटेर में दो दर्जनों से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए विकास सिंह पर रामपुर कला थाने में आईपीसी के तहत मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि पकड़े गए युवक सक्रिय सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा इन्होंने कई अन्य साथियों के नाम भी पूछताछ के दौरान पुलिस को बताए हैं। पुलिस क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा 25,000 का सातिर इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ, सर इस संबंध में ये जो है इसका नाम है रामपाल उर्फ पाले। इसके ऊपर हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इसके ऊपर 16 मुकदमे लूट डकैती इत्यादि गंभीर धाराओं के मुकदमे इसके ऊपर हैं। और ये जनपद सीतापुर के अटरिया थाने से लूट के मुकदमे में वांछित भी फरार चल रहा था और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम गिरफ्तार घोषित किया था। हमारे प्रभारी निरीक्षक अनिल पांडे महमूदाबाद और इनकी टीम ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सबसे खास चीज़ ये है कि बाराबंकी जनपद जो हमारा पड़ोस का जनपद है, बाराबंकी का ये टॉप 10 अपराधी था, ये टॉप 10 में शामिल था, वहाँ जनपद के टॉप 10 में अपराधी था ये। और वहाँ की पुलिस भी इसको बहुत मुस्तैदी से ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन ये यहाँ पर गुमनाम तरीके से एक जगह पर छुप कर रह रहा था और किसी बड़ी घटना को करने के फिराक में था। इसकी तलाशी दी गई थी, उसके बाद के 20 ग्राम स्मैक और इसका जो दूसरा साथी पकड़ा गया है विकास, विकास के पास का एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है।